नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या रह सकता है सो so कल मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करे थे थ्रू आर यूट्यूब चैनल एंड उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया अजंता फार्मा में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाया एंड कुछ और भी स्टॉक्स थे मैंने उन लोगों में भी प्रॉफिट अच्छा कमाया अजंता फार्मा आई एम स्टिल होल्डिंग मेरा टारगेट टू थाउजेंड रुपीज़ का है तो मैं उसके लिए होल्ड करा हुआ हूँ उसे मैं एग्जिट नहीं कर रहा बट थोड़े बहुत के मैंने मतलब मेरे ट्रेल करते रहा स्टॉप लॉस एंड आई एग्जिट सम क्वान्टिटीज एज वेल ओके सो आज भी मैंने एक दो स्टॉक्स उठा रखे हैं बाय करे हैं आज वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कल के लिए भी बाय है एंड दो सेल के लिए हैं आज स्टॉक्स ठीक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ विच इज़ रिलायंस इंडस्ट्री सेल करने के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक आप देख सकते हैं दिस इज अ डबल टॉप यहां पर एक डबल टॉप बना है प्लस एक शार्प फॉल आई थी कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर और आज एक इनसाइट कैंडल देखने को मिल रही है ठीक है कल अगर ये इसको ब्रेक करता है मतलब 1909 1908 को ब्रेक करके नीचे जाता है सो so प्रोबेबली वहां से दस रुपए से लेके मतलब एक अच्छी फॉल आ सकती है ठीक है क्योंकि मेरा इसका टारगेट 1800 तक का है और जो कि मुझे लग रहा है कि आ सकता है क्योंकि आज मैंने यहाँ पर पुट भी बाय करी हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक की और चांसेस आर हाई कि ये नीचे जा सकता है 1850, 1870 तक आ सकता है तो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखेगा अगर सेल साइड में मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है ओके अ नेक्स्ट स्टॉक फॉर सेल साइड इज इन्फोसिस इन्फोसिस पे अगर आप देखेंगे देखिए एक शार्प अपमूव अपमूवाई उसके बाद मैं यहां पर आपको दिखाता हूं थ्रू पेन के थ्रू दिखाता हूं ठीक है एक शार्प अपमूव आई उसके बाद एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा था फिर एक ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद ये वाली जो एक रेड कैंडल बनी थी इससे हमें कोई मतलब नहीं था हम लोग अभी भी बाय साइड में थे बट जो आज ये वाली रेड कैंडल बनी है इसने तो दो दिन की जो मूवमेंट थी जो दो दिन की मूवमेंट थी उसके 50 परसेंट को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है ठीक है ये जो दो परसेंट की मूवमेंट थी इसके फिफ्टी परसेंट को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया मतलब ये एक हाई रिलायबल पैटर्न माना जाता है इस हायर रिलायबल पैटर्न में कोई भी अपमूव का अगर आप प्रीवियस की दो कैंडल्स का फिफ्टी परसेंट को ब्रेक कर देते हो और वहाँ से रीटेस्ट करके नीचे जाता है सो तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि एक शॉर्ट टर्म फॉल आ सकता है शॉर्ट टर्म हो सकता है मतलब कि दो दिन का फॉल एक दो दिन का तीन दिन का फॉल आ सकता है तो ये स्टॉक के लिए कल मैं सेल रख रहा हूं अगर ये 1259, 1258 के नीचे जाता है यस वी कैन गो फॉर अ शॉट ठीक है 1250, 1245 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखेगा बट जो लेवल्स बताए हुए हैं उन्हीं लेवल्स पे ही आपको अपना सेल या बाय इनिशिएट करना होगा ओके और नेक्स्ट स्टॉक इज सन टीवी ये वाला स्टॉक मैंने आज बाय करा था यस yes, ये स्टॉक मैंने आज बाय करा हुआ है आप देख सकते हैं एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट दिया फर्स्ट आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा एक बार नीचे आया इसी लेवल पे रीटेस्ट करा एंड एक अपमूव आज इवेंचुअली इसने ब्रेकआउट दे दिया है सो यस देर इज अ बाय मैंने 504 506 या 504 पे बाय करा है इसका प्राइस क्या चल रहा है या 518 चल रहा है मैंने 506 पे ही बाय करा होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को और ये अगर आपको कल एक इनसाइड कैंडल भी देता है कल या फिर एक दो रुपए में ही ट्रेड करता है तब भी आप लोग इसे बाय बना के चल सकते हैं मेरे को लगता है कि ये प्रॉबेबली फाइव तक भी जा सकता है सो so, इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर ऐड करिएगा ओके और नेक्स्ट स्टॉक इज पी ई एल परामल इंटरप्राइजेस ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने इसे बाय अब करा नहीं है ठीक है आप देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है मैं आप लोगों को यहां दिखाता हूं देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है यस ठीक है तो हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं बट आपको मैं सलाह यही दूंगा कि जब ये फिफ्टीन हंड्रेड एंड फाइव को ब्रेक करे तब करना बिकॉज ब्रेकआउट देने के बाद मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बोला हुआ है उसके पास वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्रॉस करेगा तभी हम लोग अपना बाय इनिशिएट करेंगे ठीक है सो so, अभी ट्रेड कर रहे हैं फोर्टीन नाइनटी सिक्स पे फिफ्टीन हंड्रेड थ्री फिफ्टीन हंड्रेड फोर पे आप लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर ठीक है ये तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने इस पर बाय इनिशिएट नहीं करा हुआ बट आप लोग कर सकते हैं ठीक है माई नेक्स्ट स्टॉक इज श्री राम सिटी यूनियन यस वाला एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिस पर मैंने आज अपनी बाइंग बनाई है ठीक है थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ बनाई है बिकॉज अभी ब्रेकआउट था नहीं तो मैंने रिस्क लेना नहीं था आप देख सकते हैं ठीक है यहां से एक ब्रेकडाउन आया ठीक है ब्रेक आने के बाद क्या हुआ एक राउंडिंग बॉटम बनाया देख पा रहे हैं पूरा राउंडिंग बॉटम है एंड इसका कप है कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट रिटेस्ट करने के बाद अब उसके ऊपर ये जा रहा है एंड आप देख सकते हैं एक वी शेप रिकवरी है ये देख रहे हैं ये जो फॉल आया था इसकी वी शेप रिकवरी है सो so अगर ये इसके ऊपर निकलता है मतलब 1120 के ऊपर निकलता है तो अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करा हुआ है मेरा टारगेट है ट्वेल्व का येस गाइस सो आई एम होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड अगर आप लोग करना चाहते हैं सब टू यू बट इंटर डे के लिए ये आप लोगों को ट्वेल्व एलेवन हंड्रेड एंड थर्टी एलेवन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव तक भी लेकर जा सकता है इस स्टॉक को जरूर वॉच करेगा ओके, सो बेसिकली सारे स्टॉक्स बता दिए गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी चेक करें निफ्टी बैंक निफ्टी पे अभी कोई सेल नहीं है मतलब या एक कल एक गैप डाउन हो सकता है जिस तरीके से मुझे लग रहा है फिर एक बाइंग आ जाए या फिर अगर इसी लेवल पे खुलता है तो भी एक सेलिंग आ सकती है ठीक है सो so समझेगा अगर गैप अप होता है तो तो बाय है अगर इसी लेवल पे खुल के नीचे आ रहा होता है तो आप उसी टाइम एट अ टाइम शॉर्ट कर सकते हैं बट ज्यादा टारगेट्स के लिए वेट मत करिएगा बिकॉज मार्केट रिकवर होती है ठीक है सो कोई भी लेवल अपने आप को डिसाइड कर लो मैं निफ्टी में 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेना चाहता हूं उतना वो आपको आराम से दे देगा उसके बाद आप क्या करो एग्जिट कर दो वो जितना भी नीचे जाना होगा उसे जाने दो बट आप लोग एग्जिट कर दो बिकॉज आप लोगों को अभी रिस्क नहीं लेना है अभी ये हमारे लिए ऑलरेडी बाय में है जैसे मैंने आप लोगों को इन्फोसिस बताया था रेड कैंडल ऊपर बन रही है हमें कोई मतलब नहीं है जब तक प्रीवियस की दो कैंडल्स के मिड पॉइंट को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती है मतलब जब तक इस पॉइंट को क्लोज नहीं करती है या दिस इज आर मिड पॉइंट ठीक है ये रेड कलर की लाइन को जब तक क्लोज नहीं करती है तब तक, तक हमारे लिए बाय नहीं बनता सेल नहीं बनता ठीक है सो व्हाट वी कैन डू जब इसके नीचे क्लोज देगी तभी हम लोग सेल इनिशिएट करेंगे बट अगर कल भी इसी लेवल पर खुलती है तो हम लोग सेल कर सकते हैं मैं पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार देखिए यहां पर एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो था डबल मैं इस रेड कैंडल को भी अगर इग्नोर कर दूं और अगर इस रेड कैंडल को भी इग्नोर कर दूं तो गाइस यहां पर एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो भी बना है ठीक है इस डबल टॉप टाइप सिनेरियो पे अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है मतलब अगर ट्वेल्थ फोर्टीन थाउजेंड वन ट्वेंटी के नीचे जाता है वन थर्टी के नीचे जाता है तो येस यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ थर्टीन फोर्टीन थाउजेंड फोर्टी ठीक है सौ रुपए भी आपको पचास सत्तर रुपए आपको आराम से मिल जाएंगे स्टॉक के अंदर इंडेक्स के अंदर ठीक है अब एक बात देखिएगा द मार्केट ऑलवेज मेकिंग हायर हाईज एंड हायर लोस और एक बार भी अपने पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच नहीं करा था कोई भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता था और जब भी ब्रेक करता था तो अपने हाई को ब्रेक करता था बट यहां क्या हुआ ये इसका प्रीवियस लो था प्रीवियस लो पे ही एग्जैक्ट आया एग्जैक्ट इसने डबल बॉटम टाइप सिनारियो बनाया मतलब यहां पर एक प्रेशर सेलिंग का ज्यादा आ गया था आप पॉइंट समझ रहे हैं उसके बाद क्या हुआ जो इसका प्रीवियस हाई था उसको तो ब्रेक करेगा ना लो को ब्रेक नहीं करा लो तक गया बट लो को ब्रेक नहीं करा हमने माना बाय है बट उसके बाद अपने हाईस को आप देख सकते हैं हाई को ब्रेक करना था ये दो रेड कैंडल को छोड़ दो ठीक है क्योंकि गैप अप था इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं इस लेवल को अगर आप देखोगे इट्स अ डबल टॉप टाइप सिनेरियो मतलब यहां पर एक सेलिंग प्रेशर ज्यादा मेंटेन हो रहा है सो so अगर आप लोग क्या कर सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ज्यादा रिस्क नहीं है ठीक है आप अप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो 14,300 थाउजेंड थ्री हंड्रेड का एंड आप यहां पर एक निफ्टी के अंदर शॉर्ट इनिशिएट करके रख सकते हो ठीक है 14,300 का एक स्टॉप लॉस लगाओ एंड अपना शॉर्ट इनिशिएट करते रहो जितना नीचे जा रहा हो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्रॉफिट्स मिल सकते हैं ठीक है बैंक निफ्टी का भी सेम टाइप ऑफ सिनेरियो है बैंक निफ्टी भी मुझे शॉर्ट लग रहा है मैं दिखा देता हूँ देखिएगा ये ट्रेंड लाइन थी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा कोई बात नहीं कोई ट्रेड नहीं बनता था ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में भी बट आप यहां देख सकते हैं यहां पर एक रेजिस्टेंस है ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक करा ये सपोर्ट बन गया अब भी ये सपोर्ट का काम कर रहा है अगर इसके नीचे पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो यस हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट करके चल सकते हैं ये हमारा टारगेट होगा ठीक है ये हमारा टारगेट होगा जो कि थर्टी के आसपास का होगा जो कि हमें आराम से मिल सकता है ठीक है गाइस so सेशन को एंड करते हैं कल हमारा एक लाइव मार्केट एनालिस हम लोग कल लाइव स्ट्रीम में दोबारा आएंगे अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं दो बजे दोबारा लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा सो प्लीज बी रेडी एट टू पीएम टुमारो एंड फिर वहां पर हम लोग बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं बाय करने के लिए सो so गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर मैं शिवाज भसीन साइनिंग ऑफ